शांति। संसार के अंदर वर्तमान समय भी हम देखते हैं कई मनुष्य आत्माएं अपने कर्मों की भोगना भोग रहे हैं। कई मनुष्य आत्माओं को पीने को जल नहीं, खाने को भोजन नहीं और जीवन के अंदर दुख है, अशांति है, निराशा है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है। तो इन सभी के ऊपर कौन करुणा करे, कौन अपनी दया की वर्षा करके और इन आत्माओं को शांतता देवे, कौन उनको धीरज बंधावे, कौन उनको सहानुभूति प्रदान करे। तो परमपिता परमात्मा ऐसे समय पर ऐसी आत्माओं के ऊपर करुणा भाव दिखाकर, दया भाव दिखाकर उन आत्माओं को अपनी छत्र छाया में लेकर के और उन्हें किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी के द्वारा वह प्राप्ति करा देते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। परंतु हाँ, आवश्यकता जिसको है वह परमपिता परमात्मा को यदि आस्था से याद करते हैं तो उनको कभी भी अपने जीवन के अंदर किसी भी अप्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। और करुणा दया यह जो परमात्मा की असीम कृपा है उसके अनुभव आते हैं और यही कारण है उनको कहते हैं करुणेश्वर, करुणा करने वाले। ओम शांति।